फिरोजाबाद के जिला साउंड एसोसिएशन के सदस्यों ने आज फिरोजाबाद की सिविल लाइन्स डबरे पर जाकर डीएम ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा, जिस ज्ञापन में ये दो मांगे हैं उनकी कि एक तो साउंड एसोसिएशन वालों को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू परमिशन मिलनी चाहिए, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक रात को 10 बजे के बाद साउंड अगर चलानी है तो उसके लिए परमिशन लेनी होगी, जो कि 4-5 जगहों से होकर परमिशन दी जाती है। इसके लिए वो चाहते हैं कि एक निर्धारित जगह की जाए जहां से परमिशन वो हासिल कर सके, और साथ ही उनका कहना है कि पुलिस उन्हें आए दिन परेशान करती रहती है, जिससे वो निजात चाहते हैं, क्योंकि इस परमिशन के चक्कर में उनके काम पर काफी असर हो रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी नुकसान हो रहा है। फिरोजाबाद से सराज सिंह, SKH न्यूज। मेरा नाम दुष्यंत तिवारी है। आप किस चीज का ज्ञापन दिया है यहाँ पे? आज हम फिरोजाबाद साउंड एसोसिएशन की तरफ से एक ज्ञापन अपने DM साहब को देने आए हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय ने साउंड एसोसिएशन वालों के खिलाफ जो कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जैसे कि 10 बजे के बाद साउंड ना बजना और भी तमाम जो, तो हम 10 बजे के बाद का तो कारण स्वीकार करते हैं, पर हमें पुलिस प्रशासन बहुत परेशान कर रहा है। 10 बजे के बाद हम किसी भी पार्टी के यहाँ पे साउंड बजा के वापस आते हैं तो पुलिस वाले हमसे कहते हैं कि परमिशन दिखाइए। हम कहाँ से परमिशन लाएँ? परमिशन पार्टी को मिल रही है, ना कि हम लोगों को मिल रही है। अब हम रास्ते में परमिशन कहाँ से दिखाएं? हम अपना साउंड लेके जाते हैं तो परेशान करते हैं, लेके आते हैं तो भी परेशान करते हैं। ऐसे करके हम लोगों को ग्राहक बहुत, हम लोगों को भी तकलीफ हो रही है, हमारे ग्राहकों को भी तकलीफ हो रही है। ग्राहकों को तकलीफ ये हो रही है कि 4-4 जगह उनको जाके परमिशन करानी पड़ रही है, तो ग्राहक मना कर देता है हम लोगों से कि हमें साउंड बजवाना ही नहीं है। ऐसे करके आज हमारे तमाम काम कैंसिल हो रहे हैं, हम लोग भुखमरी की कगार पर आ गए हैं। किसको दिया आपने ज्ञापन? किसको दिया ज्ञापन? हम DM साहब को देने आए थे, पर DM साहब हमारे आंखों के सामने निकल गई, तो SDM साहब को ज्ञापन दिया है, और उन्होंने हमको अभी 2:30 बजे का समय दिया है कि ADM साहब आ रहे हैं, उन लोगों से मुलाकात करके तब हम लोग यहां से जाएं, इसलिए हम यहीं पे अभी तक बैठे हुए हैं। ज्ञापन में क्या मांगे हैं आपकी? ज्ञापन में हमारी यही दो मांगे हैं कि हमको एक खिड़की दी जाए, जिससे कि हमारा ग्राहक भटके नहीं कहीं भी, एक खिड़की पर हमको परमिशन दी जाए। 4-4 जगह हम लोग ना हम भटक पाएंगे ना हमारा ग्राहक भटक पाएगा। और दूसरी कि 10 बजे के बाद जो हम अपना सामान लेके आते हैं या हम सामान सुबह लेके जा रहे हैं, तो रास्ते में हमें पुलिस प्रशासन परेशान ना करे। जहां हम बुकिंग बजा रहे हैं वहां पे परमिशन मांगे हम दिखा देंगे, परमिशन के बगैर हम भी नहीं बजाना चाहते, और 10 बजे का हम भी स्वागत करते हैं। मेरा नीरज। यहाँ ज्ञापन किस चीज़ का देने आए आप? ये DJ एसोसिएशन का है, और जो कोर्ट का फैसला है, जो 10 बजे का फैसला था वो तो बहुत सही था, उसके हम सम्मान करते हैं, और जो उन्होंने परमिशन वाला मैटर रखा है वो हम लोगों की पेट पे लात मारने का फैसला है। और मैं विकलांग हूँ दोनों पैरों से, मेरे यहाँ 8 आदमियों का वो है, उनका पालन पोषण इसी साउंड के काम से होता है। अब जो पेट पे हमारे पे लात मारी जा रही है, वो हम कैसे अपना पेट पालेंगे और क्या करेंगे आगे चल के? हमारा यही रोजी रोजगार है, और पुलिस परेशान करती है, जो हमारे काम लिखे हुए वो भी सब ख़त्म हो गए, पार्टियां कोई काम कराना नहीं चाह रही है, इसी वजह से परमिशन की वजह से वो अपनी। ज्ञापन में क्या क्या मांगे आपकी? ज्ञापन में हमारी यही मांग है, ये जो परमिशन वाला बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, एक खिड़की कर दी जाए, या एक खिड़की कर दी जाए, जो 4 जगह हमें परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पर कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है, पार्टी एक बार जाने को बड़ी मुश्किल से तैयार होती है, दोबारा वो बिल्कुल मना कर देती है हमसे कि हमारा काम आप कैंसिल कर दो, हमें नहीं कराना। बस एक खिड़की से मिले हम, अगर एक खिड़की से मिले हम ये चाह रहे हैं, और हम तो ये चाह रहे हैं ये परमिशन वाली समस्या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए, तो ही पार्टी काम कराएगी, वरना सब काम हमारे कैंसिल हो रहे हैं, जो लिखे काम हुए थे, और 10 दिन से कोई पार्टी काम बुक करने नहीं आई अभी, और लिखे हुए भी काम कैंसिल हो रहे हैं पूरे, हमारे बड़ा पेट पे हमारे ऐसी लात मारी है कि हम आपको क्या बताएं।